दलित समाज की बेटी हूँ, दलित समाज की बहू हूँ और दलित समाज ने ही मुझे आज यहाँ बिठाया है। अगर मेरे समाज के काम नहीं होंगे तो मैं वोट कतई नहीं दूंगी। क्या दलित समाज जो भाजपा का दलित मोर्चा है तालकटोरा स्टेडियम भर सकता है? एक तरफ दिल्ली की गर्मी बढ़ती ही जा रही है, वहीं दूसरी ओर राजधानी दिल्ली की राजनीतिक पारा भी बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह आने वाले निगम चुनाव है। राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे निगम चुनाव का वक्त नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही सियासी सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को बहलाने फुसलाने में लग गए हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के नांगलोई इलाके से निगम पार्षद ज्योति सतीश रचैया ने बीजेपी से निकाले जाने के बाद अब दलित कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। अब वो बीजेपी और उसके नेताओं को दलित विरोधी पार्टी बता रहे हैं। साथ ही अपने घर पर ही दलित समाज के लोगों के साथ गंगा पूजन के नाम पर शक्ति प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। पार्टी लग रही है हमें जी। हमने इतना काम किया जी, इतना सम्मान किया जी, जी। क्या दलित समाज जो भाजपा का दलित मोर्चा है जी, क्या तालकटोरा स्टेडियम भर सकता है? ये ज्योति रचैया ने भरा जी, जी। आप गवाह हैं जी, जी। पूरे संसार में नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जो ज्योति रचैया जी ने मनाया ताल कटोरा स्टेडियम में आज तक पे और इंटरनेशनल चैनल्स पे दिखाया गया था, ठीक है ना जी। ऐसा प्रोग्राम क्या पूरे दलित मोर्चा ने किसी ने किया? हालांकि इस शक्ति प्रदर्शन में धर्म कम और राजनीति ज्यादा नजर आई, क्योंकि बीजेपी से निष्कासित निगम पार्षद ने महिलाओं की भारी भीड़ जुटा कर अपना समर्थन बटोरने का प्रयास कर रही है। इतना ही नहीं, प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती नजर आई। मैं हूँ, मैं दलित समाज की बेटी हूँ, दलित समाज की बहू हूँ और दलित समाज ने ही मुझे आज यहाँ बिठाया है। अगर मैं दलित समाज की बात उठाती हूँ, अगर उस बात पे कोई आगे सरकार निर्णय नहीं लेती है तो वो दलित विरोधी है। मेरा ये उनका ये कारण था कि मैं जो भी मेरे समाज के काम थे मैं वहाँ पे देती थी कि मेरे काम हल होने चाहिए, मेरी समाज मेरे को जो अपना समझ के मुझे इस सीट पे बिठाया और उन्होंने मुझे कहा ये काम हमारा होना चाहिए, वो काम वहाँ पे नहीं हुआ, इसलिए मैंने वोट देने के लिए मना कर दिया। जब अगर मेरे समाज के काम नहीं होंगे तो मैं वोट कतई नहीं दूंगी। सबसे पहले मेरा समाज है, फिर मैं हूँ, समाज मुझे यहाँ तक लेके आया और मैं समाज के साथ। ऐसे में निगम पार्षद के चुनावों को लेकर ये पॉलिटिकल ड्रामा और भी भावी चुनावी उम्मीदवार करेंगे, लेकिन कोरोना को देखते हुए जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए ताकि कोरोना की तीसरी लहर जिसने दस्तक दे दी है उसमें हालात भयावह ना हो। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने और उसके अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने राजपर टीवी चैनल से। साथ ही राजपर टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को भी बजाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, साथ ही याद रहे 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी।